सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज इस वीडियो में बात करूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिग बॉस 16 के बारे में। जी हाँ, कल के दिन में पहला एपिसोड जो है रिलीज हो चुका है और उसके अंदर में दिखाए गए हैं कुल मिलाकर के 13 कंटेस्टेंट। लेकिन मैं एक एक करके उन कंटेस्टेंट के बारे में बात करूंगा जो कि सबसे बड़े लैमलाइट बना चुके हैं और सबसे बड़े हाईलाइट है इस शो के अंदर में। तो सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा साजिद खान। साजिद खान अपने मीटू केस के वजह से हाउसफुल 4 से निकाले जा चुके थे, यानी हाउसफुल 4 जो मूवी है उसका 60% जो है उन्होंने शूट कंप्लीट कर लिया था, पूरे तरह से मूवी उन्होंने लिखा था। लेकिन उनके नाम से कहीं मूवी फ्लॉप ना हो जाए, कहीं लोग बायकॉट ना कर दे, इस वजह से उनको क्रेडिट सीन में भी नाम नहीं दिया गया। अब जो है वो आए हैं बिग बॉस के अंदर में। लेकिन मेरा यार सबसे पहला सवाल ये है कि क्या बिग बॉस इसमें बायस नहीं हो जाएंगे? बिग बॉस छोड़ो, क्या होस्ट खुद इस पे बायस नहीं हो जाएंगे? क्योंकि फराह खान के भाई हैं और फराह खान खुद जो है इस शो को होस्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान। और सलमान खान को जब जब अपनी शूटिंग में जाना होता है, उनका डेट बिजी होता है, तब तब फराह खान आ जाती है। तो उस वक्त में साजिद खान का क्या होगा? वैसे साजिद खान ने अपने इंट्री में ही कह दिया कि फराह नहीं आनी चाहिए वरना मेरी बहुत बैंड बजाएगी। सो ओवरऑल साजिद खान की खुद की जुबानी ये है कि भाई वो अपनी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि लोगों के सामने में क्लियर करना चाहते हैं और अपनी इमेज के बारे में कुछ तो करेंगे। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आया भाई, बड़े लोगों का खुद का बर्तन धोना और घर पे पोछा लगाना जिंदगी में कुछ सीखने लायक चीज क्या होता है? यहां मैं अपने बर्तन और कटके से बाहर आकर के कुछ और करना चाहता हूं, ये लोग कुछ और छोड़ करके बर्तन और कटका करके जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं। इस बारे में आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ आपकी क्या राय है। वहीं दो और इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट आई है जिसके वजह से आपका बिग बॉस देखने का मजा दुगना हो जाएगा। मुझे पता है लोग बिग बॉस क्यों देखते हैं, पंगा, लड़ाई, झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर में कटाश, यही तो देखने के लिए जाते हैं। तो इसी चीज का तड़का मारने के लिए दो कंटेस्टेंट को लाया गया है जो कि स्टेज पे आकर के कहती है सलमान से कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, 10 साल की पुरानी दोस्ती है। मैं बात कर रहा हूँ सृजित दे और टीना दत्ता के बारे में। ये दोनों अपने शो में एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुकी है, एक टाइम पे दोस्त हुआ करती थी और जब बिग बॉस का अप्रोच 1x1 इंडिविजुअली गया तो सृजित दे ने कहा कि वो मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। लेकिन वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के स्टेज पे आकर के कहती है कि अरे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में बहुत ज्यादा है, हम दोनों जो है एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब सोचो ये अंदर जाने के बाद में क्या कांड होने वाला है। तो ये कुल 3 कंटेस्टेंट थे जो कि मेरे नजर में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहे। नेक्स्ट वीडियो पे लेकर के आऊंगा 3 और कंटेस्टेंट। चैनल पे बने रहो और आप बताओ कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस 16 में कौन है और आप सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेस्टेंट। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।